बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस ईद और फितर की छुट्टियों तक बंद रहेंगे। फिनांस डिवीजन ने अपग्रेडेशन स्केल नंबर 1 ता स्केल नंबर 16 के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से मजीद वजाहत की दरख्वास्त की है। अपग्रेडेशन की सूरत में सुपरिंटेंडेंट्स को अगर पे स्केल नंबर 17 दिया जाता है तो सेक्शन ऑफिसर्स पहले ही स्केल नंबर 17 में हैं। मौजूदा सूरत हाल में सुपरिंटेंडेंट सेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। अगर दोनों का पे स्केल एक ही होगा तो काम कैसे चलेगा? पंजाब हुकूमत ने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अदारों में काम करने वाले मुलाजमीन व दिहाड़ीदार की कम से कम उजरत 17,500 रुपए से बढ़ाकर 19,500 रुपए महाना कर दी है। एक दिन की उजरत 750 रुपए होगी। ये रेट्स 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। ईद की छुट्टियों के लिए हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की हैं कि ईद पर आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। स्टे होम स्टे सेफ के असूल पर ईद घर में ही रहकर गुजारी जाएगी ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। हुकूमत पंजाब ने तमाम महकमों से इन मुलाजमीन की लिस्टें तलब की हैं जिनकी मुद्दत मुलाजमत 20 साल मुकम्मल हो चुकी है, ताकि कारकर्दगी की बुनियाद पर उनकी सबका सर्विस का जायजा लिया जाए। खराब कारकर्दगी की सूरत में इनके खिलाफ पंजाब सिविल सर्वेंट डायरेक्टरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस रूल्स की रोशनी में कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, ये थी मुलाजमीन के लिए हफ्ता भर की खबरों पर एक नज़र। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।